राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 7 महिलाओं सहित 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। शनिवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी विकास शर्मा ने कहा कि उदयपुर में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, एक सुकेर पुलिस थाने में और दूसरा बेकरिया पुलिस थाने में। उन्होंने बताया कि 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से महिलाओं को 2 दिन और बाकी आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये भी बताया था कि पेपर लीक होने की गुप्त सूचना के आधार पर और उम्मीदवारों को लेकर एक निजी बस उदयपुर आ रही थी। उन्होंने कहा था कि बस में सवार उम्मीदवारों के पास परीक्षा का पेपर था। जब परीक्षार्थियों के पास मौजूद प्रश्न पत्र का मिलान मूल प्रश्न पत्र से हो गया तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करने के लिए एक संशोधन का सुझाव दिया जा रहा है।